चलते हैं बनाने की तरफ। अब देखिएगा हम पूरी वीडियो किस तरह से कम सामानों में बहुत ही डिलीशियस बनके तैयार होता है आम का अचार। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आम के मीठे अचार, या तो आप गुरम भी बोल सकते हो। देखिए, मैंने कच्चे आम को, 1 किलो आम लिया था, उसने छील के अच्छे से कट कर लिया है। एक आम में दो करके लंबा लंबा, फिर हमने देखिए ऐसे ऐसे कर लिया है। चलिए चलते हैं बनाने की तरफ। ने धुल के साफ करके ले लिया है। अब हमने कढ़ाई रख दिया है गैस पे, गैस को मीडियम पे कर दी हूँ। इसमें घी डाली हूँ, देसी घी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें जीरा डालूंगी। देखिए जीरा हो चुका है। अब मैं इसमें 2 से 3 हरी मिर्च काटी हूँ, वो डाल दूंगी। देखिए मिर्चा भी हो चुका है। अब जो आम है इसमें डाल दूंगी। ढक दूंगी थोड़ी देर के लिए। देखिए अच्छी तरीके से इसे भूनना है हमको। मैं इसमें थोड़े से मसाले डालूंगी, डालते हुए भून लूंगी। देखिए इसका मेन मसाला है सौंठ पाउडर, यानी कि अदरक, सूखा हुआ अदरक का पाउडर, यही मेन है इसका। 1 से 1.5 चम्मच ने पाउडर डाल दिया सौंठ पाउडर। अब मैं डालूंगी नमक थोड़ा सा बैलेंस बनाने के लिए, खट्टा मीठा का सादा नमक डाला है। अब थोड़ा सा काला नमक डालूंगी, ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालना है, हाफ हाफ छोटे चम्मच से, हाफ हाफ चम्मच। अब इसको अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। देखिए 2 मिनट के लिए और ढक दूंगी। देखिए अच्छे से हो गया है, भून गया है। अब मैं इसको उतार देती हूँ। हमने 1 किलो आम था तो 1 किलो गुड़ भी ले लिए हैं। अब इसमें मैं फोड़ के रख दी हूँ। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी जब तक गुड़ मेल्ट नहीं हो जाता। देखिए गैस को मीडियम हाई पे कर दिया है, गुड़ मेल्ट हो गया है, बस थोड़ा थोड़ा बचा है। अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए फिर मैं दिखाती हूँ। बहुत ही इजी तरीका है मीठा अचार बनाने का, और आप इसे गुरम भी बोल सकते हो। हम लोग के यहाँ गुरम बोला जाता है, पूड़ी के साथ, पराठे के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। आप जरूर बनाए इस आइडिया से, इस तरीके से बहुत इजी तरीका है। देखिए सारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब जो मैं आम को भूनी हूँ, देखिए अब मैं इसी में आम को डाल देती हूँ पकने के लिए। कम से कम 15-20 मिनट अच्छे से पक जाएगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए ये आम है, इसमें और मैं डाल देती हूँ तरीके से, इसमें जरूरत नहीं है। अब इसको पकने देना है, गैस को स्लो कर देंगे कम पे, और आराम से धीरे धीरे पकेगा। देखिए इस तरीके से
हो गया पकते हुए, 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। और थोड़ी देर 5 मिनट तक देखिए काफी हद तक अच्छे से पक गया है। 5 मिनट तक, 5 से 7 मिनट तक और अच्छे से पकाऊंगी। देखिए कितना यूनिक डिलीशियस मीठा अचार बनके तैयार है। बिल्कुल आप देखिए, अब आप भी ट्राई करें और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी जरूर करें और मेरी वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। चलिए आप भी अपने किचन में फटाफट देखिए कितना यूनिक डिलीशियस बनके आम का अचार मीठा तैयार है। ज़्यादा कुछ लगता भी नहीं है इसमें, घर में सारे सामान उपलब्ध मिल जाएंगे, इसे आपका मीठा अचार बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगा झटपट 15 से 20 मिनट में। बिल्कुल डिलीशियस अचार बनके तैयार हो जाएगा।